मैंने इसके थ्रू में मेरा पैसा भी शॉर्ट से बुक किया। मैंने इसका एक प्रोफाइल मैंने एंड ऑफ द डे ऑनलाइन मार्केट में शेयर करता हूँ। इसमें वन फिफ्टी स्टॉक इतना स्टॉक्स रहता है, फिफ्टी वन फिफ्टी का लेवल रहता है, ट्वेंटी टू का लेवल रहता है। तो मेरा वो वैसे मेरे को स्किनर और वैसे मेरे थ्रू तो आप लोग पहले मैंने बिल्कुल देख लीजिए आप लोग इसके बारे में वैसे मैं इसका स्किनर और वैसे मेरे थ्रू में क्या क्या रहता है आप लोग को पता चल जाएगा। और ये मेरा फाइल का आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा मैंने मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग फीडबैक के लिए ज्वाइन हो सकता है। इसका लिंक वीडियो का लिंक पे दिया जाएगा। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा आप लोग देखिए, क्योंकि ये देखने के बाद ये आप लोग कैसे ये काम करता है उसके आप लोग खुद को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है कि कैसे काम करता है और इसको कैसे इंटरेस्ट करना है, कैसे स्क्रीन करना है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मुख्य का लेवल देता हूँ बाईस वक्त से भी मेरे ये स्किनर के थ्रू मैंने मोबाइल मिट्टी बाईस लेवल देता मिट्टी बाईस लेवल देता हूँ सॉरी वैसे लेवल मिट्टी रैंक में रैंक देता हूँ वैसे लेवल रैंक में देता हूँ कुछ स्टॉक्स मैंने स्क्रीन करके उसके मिट्टी के साथ आप लोग मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने से हेल्प करेगा और जो आप लोग के परफॉर्म दे सकते हैं और दूसरा स्ट्रैटेजी है स्क्वायर ट्रेडिंग शेप स्ट्रैटेजी वो आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग को बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो इसमें आप लोगों को सबसे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैंने जो फ्राइडे में मैंने इसकी फ्राइडे इंडिया पर डाटा लेके इसको मैंने शेयर किया था ये दो फाइल वैसे लेवल इसको वैसे लेवल फोर जो है इसमें वैसे लेवल एक्चुअली वैसे लेवल थ्री रहता है इसका देख सकते हैं आप लोग वैसे लेवल थ्री और ये फाइल रहता है और इसको इंडिया वैसे लेवल का स्किनर रहता है। तो उसको मैंने आज डाउनलोड करके मैंने कर दिया था उसको मुझे मेम्बर का रिटर्न और डाटा लिखा फ्राइडे का एंड ऑफ द डाटा लिखा उसके बाद मैंने उसको डाउनलोड करके वो कैसे कैसे परफॉर्म किया अगर मैंने देखिए मैंने ये फाइल में कैसे परफॉर्म किया मैंने जो करेंट मार्केट प्राइस मैंने तीन मैचे के बाद मैंने करेंट मार्केट प्राइस लिया था और मैंने मैच किया कैसे प्रॉफिट किया मैंने इधर फॉर्मूला देखा ये देखिए इधर जो हाई का कलर है और इधर जो मेरा इस फाइल में वैसे लेवल थी फाइल में जो मेरा जो बाइक का एंट्री लेवल उसके बाद जो सेल का एंट्री लेवल वो देखिए मैंने लो मैंने लो से नीचे मैंने सेल का एंट्री लेवल उसके बाद आगे बाइक का लेवल डाउन पेड का बाइक का लेवल उस सब देखिए मैंने फॉर्मूला देखिए बनाया है कि आप लोग देख सकते हो आप लोग को पता चलेगा कि अगर मैच किया वैसे लेवल कम स्पिनर में वैसे लेवल वन में कैसे मैच किया है वो भी आप लोग को दिखा दिया है इधर से। तो ये देख सकते हैं आप लोग को जो कार्ड हाई है और इधर से मेरा बाइक का एंट्री लेवल हाई होगा मेरा बाइक का एंट्री लेवल से करेंट हाई इधर हाई हो हाई हो जो मेरा जो करेंट हुआ है उसका इससे एंट्री लेवल लो हो तो इधर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो मेरा जो मैंने कुछ स्क्रीनिंग करके मैंने खुद रिकॉर्ड नहीं समझा था देखा हूँ आगे जो तो इधर देखते हैं देख सकते हैं इधर आप लोग वैसे आप लोग वापस मैंने स्टेज दिया कि आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं इधर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ भी सकते हैं कैसे इधर पढ़ जो रख सकते हैं तो ये आप लोग को मैं पढ़ के आप लोग को अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैंने स्टॉक्स मैंने लिखा था मेरे ख्याल से उसके बाद देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लिखाने का कोशिश करता हूँ इधर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन का कॉल भी दिया था उसके बाद ब्लैक ट्रेडिंग का कॉल दिया था उसके बाद कैसे परफॉर्म किया आप लोग मैंने इधर लिखा है देखिए इधर लोग देख सकते हैं इधर ब्लैक ट्रेडिंग वाला कैसे परफॉर्म किया कैसे परफॉर्म दिया है कैसे प्रॉफिट का पता है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इधर देखिए मैंने जो कॉल्स मतलब रिकॉर्मेशन दिया था उसके अंदर सोच लीजिए अपना टाइप ये सेल का सेल साइड में था
सेल साइड में इसका ये जॉब सेल का बाय सेल का 3-5 से जब सेल का अपट्रेंड का था अपट्रेंड का वैसा लेवल देख रहा है तो अपट्रेंड में रिकॉर्ड दे रहा है तो अपट्रेंड का वैसा लेवल देख रहा है जो डाउन ट्रेंड में रहा है डाउन ट्रेंड का रिकॉर्डेशन आया था तो डाउन ट्रेंड का वो देख सकते हैं देखना पड़ेगा तो ये देखिए अपने पास इधर इधर आ गया सेल साइड में डाउन ट्रेंड का वो जब सेल साइड में हुआ था तो भाई आपको जो है सेल डाउन ट्रेंड देख रहे हैं और सेल डाउन ट्रेंड को रिकॉर्ड है तो वैसे ही कम से कम आप वन में कैसे ये आ रहा है वो दिखा पड़ेगा और दिखा पड़ेगा वही मैं देखता हूँ और वैसे लेवल थ्री में तो आया नहीं लेकिन वैसे लेवल वन में जो है वो आप लोग देख सकते हैं तो इधर सेल का लेवल आया है तो इधर कौन सा कितना सेल का लेवल था इधर सेल लेवल था 168.61 और ये हुआ है कितना दिखता है चार्ट पे भी देख लेता है और एक दो अच्छी तरह से देखा होगा मैंने अभी देख लिया कि बहुत सारा रिकमेंडेशन है तो मैं कोशिश करता हूँ एक दो आप लोग को अच्छी तरह क्योंकि सब देखने का समझ में है 10-20 सब मिला के 10-20 होगा तो इतना देखने का टाइम नहीं होगा मैं जो टाइम नहीं होगा मतलब मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा वीडियो मेरा लिमिटेड टाइम पर देखना चाहता हूँ कैसे परफॉर्म किया और इसको कैसे मतलब एंट्री लेना है इसको आप लोग जो जब प्रॉफिट दिखाऊंगा आप लोग को पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है कैसे कौन सा लेवल पे इसको एंट्री लेना है कैसे इस पे के ऊपर काम करना है उस समय अभी बोलता कि यार आप लोग को समझ में नहीं आता है तो इसलिए आप लोग को मतलब सुविधा पाने से लगाने के लिए समय सुविधा पाने से मैंने बोला था देखिए 169 पे ओपन हुआ था उस समय 168 में इसका एंट्री पॉइंट है उसके बाद 166 चल रहा है तो इधर देखिए उसके बाद मैंने तो स्टॉक्स देखा है उसके बाद देखते हैं और भी देखते हैं तो स्टॉक देखे सोच लीजिए बल्कि इसने इंडस्ट्री चल रहा अपटेन का वाइस वही लेवल में था तो इधर देखिए अपटेन का सेल लेवल और वाइस लेवल 3 का फाइल से ये अपटेन और वाइस लेवल अगर 3 करते थे तो इसका सेल अपटेन पॉइंट उसको अभी को एंट्री लिया था 922 उसके बाद ये इसका लोगों 915 और वैसे लेवल वन में काम करते थे तो आप लोग को आप लोग दोनों में काम कर सकते हैं लेकिन वैसे लेवल 3 से पिछ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे लेवल 3 एंड ऑफ द डेट लेकिन आप लोग वैसे लेवल वन में भी आराम से काम कर सकते हैं मेरा स्क्रीन में वीडियो देखिए आप लोग देखिए इधर बाई और सेल का दोनों का लेवल दिखा था लिखता है कैसे आ रहा है देखिए वैसे लेवल में इसका एंट्री लेवल था तो देखता है चार्ट पे कि कौन सा लेवल का ओपन हुआ था कैसे एंट्री लेना था इसका
why can't